इसकी स्कोर भी हमें वहीं पर देखने को मिल जाएगी और ऐसे में सर्कल के अंदर पहुंच पाना मुश्किल, बट डाउनहिल वो तैयार है ऐसे पोचेस के लिए। एक और खिलाड़ी को वो डाउन करेंगे, टीबीएस के ये बेहतरीन शॉट। गॉडलाइक वर्सेस सिली स्पोर्ट, सिली को देखिए बिल्कुल भी फर्क पड़ता नहीं है कि मुकाबले उसके अच्छे जा रहे हैं या खराब जा रहे हैं, पर टीम गॉडलाइक उन्हें हर हाल में अपने जो मैचेस हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे करने की जरूरत। जी हाँ, जेली को क्या वो रिवाइव देने के लिए जाएंगे, देखने वाली बात रहने वाली है। जी गॉड, वो एक ग्रेनेड अपने हाथ में लेकर के बैठे, लेकिन ये ग्रेनेड रिटेलिएशन का काफी बेहतर डैमेज लेकर के जरूर जाने वाला है। पीछे एक खिलाड़ी को नॉकआउट करते हुए नजर आएंगे जोनाथन भी, बट बैक टू बैक वो ग्रेनेड स्पैम होंगे और अब जोनाथन वो बचते एक आखिरी खिलाड़ी, क्लोजिंग करने की कोशिश वो कर जरूर रहे हैं। एक 1v2 उनको यहाँ पे जीतना पड़ेगा, एक ग्रेनेड जोनाथन के हाथ। ये फाइट जीतना बहुत ज्यादा जरूरी, यहाँ से आगे बढ़ना बहुत जरूरी, क्योंकि अगर यहाँ पे गॉडलाइक एलिमिनेट होती है मात्र एक प्लेसमेंट के अंक जो वो लेकर के जाने वाले हैं। दो पोस्टेड जोनाथन के पास मौजूद, अभी भी सर्कल उससे थोड़ी दूरी उनको वो तय करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ गुजरात टाइगर्स के जैक्सन, उनको टेक डाउन किया जाएगा और अब मात्र एक खिलाड़ी जो वहां पे सर्वाइव होते हुए नजर आएंगे, बट एम गॉड वो आगे आएंगे, जोनाथन को स्पॉट किया और उनका भी एलिमिनेशन देखने को मिल जाएगा। इसके बाद फिर रोटेशन जो आती है वो काफी बेहतर रही, बट फाइनली जिस फाइट की हम बात कर रहे थे टाइटन डेविड, उनको सीधा यहाँ पे डाउन किया जाएगा। एनडी की अगर बात की जाए बेहतरीन पोजीशन में वो यहाँ पे आ चुके हैं। देखिए ये वो दो टीम है जो कितने भी अंक निकाल दें टॉप 16 के अंदर जाने के लिए उन्हें वो 30 से 40 अंक पर मैच की जरूरत पड़ने वाली है। जिमी उनको तो अंदाजा ही नहीं था, सामने जो नैनो बे थे उन्हें अंदाजा नहीं था कि जिमी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, पर देखते ही देखते जिमी 1v3 करते हुए दिखाई देंगे आपको टाइटन ईस्पोर्ट्स को। पंक वो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे, उनको भी समाप्त किया गया, वो उनको भी डाउन किया जाएगा। एक बढ़िया ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया, क्लिच एक्स रिबॉन, एक और ग्रेनेड, डैजल, एचपी बहुत कम, डीमन वो भी आपको दिखाई देंगे, केएसआर रीपर के द्वारा स्पॉट किए गए, उनको भी डाउन किया गया, पर एक और बढ़िया ग्रेनेड वहां पर डीमन वो भी डाउन किया जाएगा, हिटमैन उनको कहीं और से डैमेज पड़ता हुआ और ग्लिच एक्स रिबॉन, बहुत सारे अंकों की जरूरत इस टीम को भी होगी। एक और ग्रेनेड और शायद डीमन इससे समाप्त होंगे और अब बचते हैं दो खिलाड़ी, पर बीआर टाइटंस वो कर क्या रहे, वो आगे जा सकते हैं, वो बस इंतजार कर रहे हैं कि कोई नेट का कनेक्शन आएगा, कोई नॉक वो भी निकालेंगे, बट यहाँ पे एफएस का खात्मा और ग्लिच भी पूरी तरह से बैकफुट पे। यहाँ पे अगर ग्लिच खत्म हो जाती है वो सारी टीम जो इस मैच में नहीं है वो बहुत खुश होने वाली है, बिकॉज यहाँ पे रेवेनेंट भी बैकफुट पे, चलिए ग्लिच भी यहाँ पे खत्म हो जाएगी। पर फ्रोजन जिस फॉर्म में लग रहे हैं थोड़ा संभलना पड़ेगा, तो डीपीएस के साथ शांत बैठे, चलिए एक और प्लेयर को उन्होंने डाउन किया, फ्रोजन इज लुकिंग फैंटास्टिक, इज लुकिंग रियली गुड, बट क्या फ्रोजन एक और नॉक निकाल पाएंगे, कोशिश तो थी उनकी कि वो जाएं थोड़ा जिगल दिखाएं, बोले तो आया उनके ऊपर भी, बट लाइफ का मुझे तो लगता है ओमेगा को रिवाइवल मिल सकता है इस बीच। जी हाँ, देखना पड़ेगा कि वो रिवाइवल देने के लिए जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे, बट अभी के लिए 4HM की बात करें काफी बढ़िया, वो जो बैकअप है वो भी आ चुका है, मुश्किल है उनकी बढ़ जरूर सकती है, बट क्या बढ़िया रिटेलिएशन जो भी देखने को मिल जाएगा। और फ्रोजन एक बार फिर से उनके कंधों पे सारी जिम्मेदारी, एक 1v1 की बैटल बची है, बट माफिया चलिए फाइनली वो बुलेट का कनेक्शन वो जरूर से लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कनेक्शन मिलेगा भी और माफिया वो 1v3 करेंगे इस फाइट में और साथ ही साथ रिवाइव करेंगे अपने दोनों टीममेट्स को।